मैंने अपनी सारी जिंदगी का इहाता अपनी एक रुवाई में इश्तराक किया। इतनी मोहलत मुझे 8 ज़माना दे दिया। करबला में मुझे मरने का बहाना, इतनी मोहलत मुझे 8 ज़माना दे दे। करबला में मुझे मरने का बहाना दे दे। जर नहीं मांगता दौलत ना हुकूमत दरकार, मेरे मौला मुझे लफ्जों का खजाना। आइए नफ्से मज़मून पर गुफ्तगू इस दुआ से शुरू करें। परवरदिगार फिक्र की बीनाई दे, हक आशनाई ज़ौके शनासाई दे, सरबा फलक शऊर की गहराई दे मुझे। यकता है तेरी जात तो यकताई दे मुझे। उसमत मिले कमाल की हर एक ख्याल को, हो नज़्म ये कलाम मोहम्मद किया। मुझे इस अमल का बखूबी अंदाजा है कि आज का मौजू कुरान दरस इंकलाब अगरचे यूं तो देखने में फकत 3 अल्फाज का मजमूआ है, लेकिन आप यकीनन मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि ये मौजू इस कदर बलीग और वसअत का हामिल है कि सदियों से किसी न किसी रुख से इस मौजू पर लिखा जा रहा है और न जाने कब तक लिखा जाएगा, लेकिन इसकी वसअत पज़ीरी का इहाता शायद ही हो सके। मेरा अपना ख्याल तो यह था कि इस मौजू पर इंकलाब के किसी एक रुख या जहत तक मैं रखता कि इस किताब मुबीन ने इंसानी जिंदगी में, माशरे में, इक्तसादियात में, अखलाक में, साइंस में, फिक्र में, शऊर में, या फिर इसी हयात के दूसरे शोबों में क्या क्या इंकलाब पैदा किया। लेकिन मुंतजमीन के तजवीज करता मौजू में तरमीम और इजाफा चूंकि मेरे दायरा इख्तियार में न था, इसलिए अपनी तमाम तरकम इल्मी और फिक्री फुकदान के बावजूद मैं अपने दही ये पूरी सही करूंगा कि आज की इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर आप सबको सोचने के लिए और फिक्र के दरवाजों को खोलने के लिए कम से कम एक जहर जरूर देके जा सकूं कि आप साहिबान फिक्र अमल खुद अपने तौर पर इस पर गौर करें और दूसरों को इस तरफ राहिब करने में अपना किरदार। कुरान पाक का बुनियादी पैगाम ही तफक्करू है। मैं करूं कि इसी तफक्करून का फुकदान है कि फी जमाना दुनिया इस्लाम को कैसे कैसे चैलेंज का सामना, और इनमें सबसे बड़ा चैलेंज मगरिब और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों का इस्लाम को एक दहशत गर्द दीन और मजहब के तौर पर पेश करना। मेरे मौजू का नचोड़ इन्हीं दो अल्फाज में मज़मिरा अल कुरान और तुमसे इंतजार। कुरान को डिफाइन करने के लिए सूरह बकरा की पहली 2 आयात बहुत काफी और मुस्तनद हैं कि जिन्हें मैंने आगाज़े कलाम पर तलावत करने का शरफ हासिल किया। रोजे आफरीन से आज तक और फिर रोजे हश्र तक ये तय है, कुरान पाक के अलावा कोई दूसरी किताब ये दावा कर ही नहीं सकती और ना कर सकेगी कि वो किसी भी किस्म की गलती और शक व शुबे से पाक है। हालांकि वह कलम का इतने मुख्तसर अंदाज में कुरान का इतना मुदल्लल और मुफस्सल तारीफ करवा देना ही इसकी हक्कानियत और अजमत की दलील है। क्या इसमें किसी मजीद इजाजत की शायद कोई जरूरत है? इसी असासे दीन को बाबुल इल्म हजरत अली अलैहि सलाम ने नहजुल बलागा के पहले खुतबे में इस तरह बयान किया है कि दीन की इब्तदा उसकी मारिफत है, कमाल मारिफत उसकी तस्दीक है, और कमाल तस्दीक तौहीद है। कमाल तौहीद इखलास है, और कमाल इखलास यह है कि उसको सिफतों की उसकी सिफतों की नफी है। गोया दीन चाहे इताअत के लुगवी मानी में हो या शरीयत के उर्फी मानी में, दीन की असल बुनियाद और असास खुदा शनासी है, क्योंकि यही वो जीना है जो इताअत की मंजिल की तरफ ले जाता है। चंद लम्हे मैंने कुरान का तारुफ कुरान की जबान में करवाया था, और अब जरा किसी फुरकान हमीद का तारुफ उस हस्ती के अल्फाज में सुनिए
जिसे शहर ने खुद बाबू लेन कहा। मौलाए कायनात फरमाते हैं जिस तरह अल्लाह सुभान व तआला ने अपनी मखलूक को किसी फरिश्तादा पैगंबर या आसमानी किताब या कतई दलील या राह रोशन के बगैर कभी नहीं छोड़ा, इसी तरह पैगंबर ने परवरदिगार की किताब को हमें